तो भाई आपने लोंगे वाले युद्ध के बारे में तो सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है ना तो भाई आपने बॉर्डर मूवी तो देखी होगी। भाई जो बॉर्डर मूवी है ना वो उसी युद्ध के ऊपर बनी हुई है, और आज भाई हम उस लोकेशन को रियल लाइफ में आपको दिखाने वाले हैं कि जो युद्ध हुआ था वो दोस्तों कैसे हुआ था, और यहाँ पर भाई जो पाकिस्तानी आर्मी के टैंक वगैरह है ना ब्लास्ट हो रखे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर आप देखो भाई, ये है पूरा का पूरा म्यूज़ियम, और इस म्यूज़ियम के अंदर आपको बंकर देखने को मिलेगा भाई, पाकिस्तानी टैंक देखने को मिलेंगे और पाकिस्तानी डिस्ट्रॉय टैंक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों म्यूज़ियम है, बहुत कुछ है यहाँ पर, तो बारी बारी से सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ से होती है एंट्री, ये देख लो भाई, यहाँ से होती है एंट्री, और वहाँ पर वो देखो वो रहा है एक टैंक। तो गाइज़ हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं जीप। जी हाँ दोस्तों, और जो ये जीप है वो दोस्तों उस टाइम में यूज़ आई थी, जी हाँ ये थी अपने इंडियन आर्मी के पास में। ये देखो भाई जीप है ना, वो कितनी ज्यादा पुरानी है। अरे ये तो मिसाइल लॉन्चर लग रहा है मुझे, इतना बड़ा भाई राइफल है। इसकी अच्छा। मदद से तो पाकिस्तान टैंक को उड़ाया था। अच्छा यहाँ पर आप देखो भाई, ओ इसके गियर देख, 4x4 थी है। ये देख ले गाइस, ये भी देख लो भाई 4x4 थी। और यहाँ पे है ना इसकी जो पूरी डिटेल है वो लिखी हुई है यहाँ पर। तो चलो भाई अब है ना हम आपको पाकिस्तानी टैंक बताते हैं भाई साहब। जब है ना इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पर युद्ध हुआ था ना, तब दोस्तों जो इंडियन सोल्जर थे ना उन्होंने भाई साहब पाकिस्तानी सोल्जर को इतनी बुरी मात दी थी, यानी कि इतनी बुरी तरीके से हराया था कि वो अपना टैंक भी भाई यहाँ पर ही छोड़ के भाग गए। ये देखो भाई ये रहा उनका टैंक भाई साहब, लुक एट दिस गाइस, ये है उस टाइम का टैंक जो कि हाँ ये पाकिस्तानियों का टैंक है, पता है। अब तो भाग गए इसको छोड़कर, डर के मारे भाई, वो जान बचाएंगे या इसको लेके जाएंगे बताना जरा भाई। उन्होंने जान बचाई, इसको छोड़ के भाग गए वो। तो यहाँ पर आप देखो भाई, ये है पाकिस्तानियों का टैंक, और मतलब कि है ना जो इनका झंडा पाकिस्तानियों का, वो देखो भाई उल्टा लगाया हुआ है, क्योंकि वो हार गए थे ना, तो इस वजह से भाई उल्टा लगाया जाता है झंडा। मतलब कि अगर कौन सा भी देश युद्ध में हार जाए ना, तो कोई भी उसका इक्विपमेंट हो तो उसके ऊपर अगर कोई झंडा लगाया जाता है ना, वो उल्टा लगाया जाता है। तो भाई हम जीत गए, तो यहाँ पर आप देखो हमने ना पाकिस्तानियों का झंडा उल्टा लगा दिया, समझ गए आप। बाकी यहाँ पर भाई एक टैंक और है, वो भी पाकिस्तानियों का है उस साइड में, ठीक है। और ये क्या है बे, ये देखो गाइस, ये एक और मैं बताता हूँ, ये राइफल है, नहीं ये मिसाइल लॉन्चर है यार। यहाँ पर आप देखो भाई मिसाइल लॉन्चर है ये, इसके अंदर है ना पीछे डालते होंगे मिसाइल और इसको लॉक करते होंगे, फिर सीधा भाई साहब यहाँ से लगाते होंगे निशाने इस तरीके से घुमा के, है ही नहीं अभी इसमें क्या डालेगा, तू खुद घुस जाए इसमें ऐसा कर तभी तो। ये देखो भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है यार, भयंकर वाली गर्मी है। ओए सुन मूवी देखने चलते हैं यहाँ पर। तो गाइज है ना अब है ना हम आपको मूवी दिखाने वाले हैं, यहाँ पर कुछ कुछ सीन ही दिखाएंगे, ठीक है। जो युद्ध होगा ना उसकी ओरिजिनल फोटेज है यहाँ पर। तो भाई अब हम जा रहे हैं मूवी देखने, और बाकी ये है दोस्तों कमांड पोस्ट जो कि अंडरग्राउंड बनी हुई है। समय हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में उसने लोकतंत्र के विरुद्ध अपने नागरिकों का ही गला घोटना शुरू कर दिया। 4 दिसंबर 1971 की रात में लेफ्टिनेंट धर्मवीर की प्लाटून को पेट्रोलिंग करते समय सीमा पार से हलचल का शोर सुनाई दिया। इस हलचल में उन्हें साफ साफ पता चल गया कि वहां बड़ी संख्या में टैंक हैं, जो लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे हैं। भारतीय सेना ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया, उन्होंने तब तक कोई फायर नहीं किया जब तक पाकिस्तान के बड़े टैंक उनसे 15 से 30 मीटर करीब तक नहीं आ गए थे। उन्होंने अपने रिकॉर्डर्स राइफल्स संभाल के रखी हुई थी। उन्होंने अपनी पहली जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 टैंकों को उड़ा दिया, और भटते ही आसमान में हमारी भारतीय वायुसेना के हंटर प्लेन आ गए थे। उन्होंने हमारी सरहद में घुसे पाकिस्तानियों पर बमबारी करनी शुरू कर दी। इस जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, उनके 200 सैनिक मारे गए, 48 टैंक नष्ट हुए और 500 से ज्यादा गाड़ियां बर्बाद हुई। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भारत के 2 सैनिक शहीद हुए और एक जीप पर लगी रिकॉग्निस राइफल बर्बाद हुई। दुनिया में न जाने कितने युद्ध हुए हैं, लेकिन दुनिया में आधुनिक युद्धों के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण होगा जिसमें इस तरह से एक तरफा परिणाम मिले होंगे। तो भाई अभी है ना हमारे को एक शॉर्ट मूवी दिखाई गई थी, और उसके अंदर भी सब कुछ बताया हुआ था कि कैसे क्या युद्ध हुआ था। और अब हम आपको वो लोकेशन दिखाने वाले हैं जहाँ पर ओरिजिनल युद्ध हुआ था, ठीक है ना। वहाँ पर वो गाड़ियाँ भी है ना, तो गाइस चलो भाई वहाँ पर चलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखो भाई, ये है इंडियन आर्मी के टैंक वगैरह। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये रहा एक टैंक, और अंदर की साइड में और भी बहुत कुछ है, तो चलो अंदर चलते हैं भाई। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है दोस्तों जहरीला कुआं,
और यहाँ पर है ना, जब जो पाकिस्तानी सोल्जर थे वो दोस्तों जब हार गए थे और वापस लौट रहे थे ना, तो दोस्तों जो ये हमारा कुआ था उसके अंदर भाई जहर मिला दिया था ताकि जो इंडियन आर्मी है वो पानी पिए और उनको कुछ हो जाए। लेकिन भाई उनका ये वाला प्लान भी फ्लॉप हो गया बाकी की तरह। और यहाँ पर आप देखो भाई ये कुआ कितना ज़्यादा गहरा है भाई, भाई काफ़ी ज़्यादा गहरा है ये कुआ सर, भाई बहुत ज़्यादा गहरा है भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई कितना ज़्यादा गहरा है, ये बहुत ज़्यादा गहरा है। पानी तो बहुत ही ज़्यादा नीचे दिख रहा है, बाकी पानी तो है इसमें देखो भाई। और बाकी देखो भाई ये रही बाल्टी, और इस तरीके से पानी निकाला जाता था। और ये रही पूरी डिटेल कुएं की, आप पढ़ सकते हो भाई पोस्ट करके, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो ये वापस मशीन गन रखी हुई है, यहाँ पर आप देखो भाई ये वापस मशीन गन रखी हुई है। और आगे की तरफ क्या आ रहा है, तो भाई यहाँ पर आप देखो भाई बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं जो कि इस युद्ध में शहीद हुए थे वो भाई, ये सारे अपने इंडियन सोल्जर थे जिन्होंने भाई हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। यहाँ पर आप देखो इस साइड में भी ये रहा एक स्मारक। और ओए ये देखो ओरिजिनल गन गाइस, यहाँ पे आप देखो भाई ये मशीन गन है मेरे हिसाब से, ये देखो भाई ओरिजिनल गन नहीं है। अबे कितना खतरनाक सीन है, तभी तो गन है भाई ये, मैं ना फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ भाई इतनी बड़ी गन को, ठीक है। ये देखो भाई ये रही एक गन और उस साइड में भी एक गन, अबे कितनी सारी गन ही गन है यहाँ पर। ये देखो भाई है ना ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो दोस्तों उस टाइम यूज़ हुई थी युद्ध के अंदर। ये देखो भाई ये रही वापस एक गन, ठीक है। हमें ना इसको ऐसे हाथ भी लगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटी है यार। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस मशीन गन को मैंने आपको पहले भी बताया था, और अब आप इसको बिल्कुल पास से देखो। इस मशीन गन को है ना मतलब कि जीप के ऊपर भी अटैच किया जा सकता है और ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर भाई साहब ये देख सकते हो गाइस, ये है कुछ फाइटर जेट वगैरह। और भाई जो ये वाला फाइटर जेट है ना, ये है दोस्तों मेड इन इंडिया फाइटर जेट, ये पढ़ सकते हो भाई इसके बारे में सब कुछ, ठीक है। और वहाँ पर एक और फाइटर जेट है, ये वाला थोड़ा पुराना है भाई, ये वाला मुझे थोड़ा सा नया लग रहा है। ये देखो भाई वो रहा एक और फाइटर जेट, भाई कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। तो चलो भाई अब हम चलते हैं जहाँ पर वॉर हुई थी उस लोकेशन पर, ठीक है। वहाँ पर है ना कुछ पाकिस्तानी लोगों के यानी कि उनके जो सोल्जर थे ना उनके टैंक वगैरह है, और इसके अलावा दोस्तों गाड़ियाँ वगैरह भी है। तो चलो भाई वहाँ पर चलते हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी टैंक पूरा का पूरा भाई तबाह हो रखा है, जी हाँ। और उनकी गाड़ियाँ भी है ना उधर आगे की तरफ है गाइज। चलो भाई चलते हैं और जो रियल लोकेशन है ना वो देखेंगे, जहाँ पर भाई साहब है ना गाड़ी के अंदर बम डाला था सनी देओल ने। सनी देओल ने नहीं डाला था, वो तो मूवी बनी थी बाद में, बनी थी वो तो रियल स्टोरी अलग है। तभी तो हाँ, लेकिन रियल स्टोरी में भी भाई जो इंडियन आर्मी ने बम तो डाला होगा ना ऐसे आगे जाकर भागते हुए। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं पाकिस्तानी ट्रक के पास में। अब ये है क्या पाकिस्तानी ट्रक? अब गाइस यहाँ पर आप देखो भाई पाकिस्तानी आर्मी इस खटाला को लेकर आई थी यहाँ पर। अबे यार ये तो पूरा पूरा खटाला है गाइस, पूरा का पूरा खटाला। ये देखो अबे क्या लेके आए रे, इसका ब्रेक वगैरह कहाँ देख, कुछ नहीं है इसमें तो। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंजन है ना वो दोस्तों पूरा का पूरा खुला है। गाइस जो पाकिस्तानी आर्मी थी ना वो कुछ ऐसे ट्रक वगैरह अपने साथ में लेकर आई थी जो कि यहाँ पर पड़े हुए। अब वही चल आगे चलते हैं यार। भाई अब हम जाने वाले हैं टैंक के पास में, एक टैंक भी है जो भी पूरा तबाह हो रखा है भाई आगे की तरफ। अब हम आपको दिखाएंगे टैंक, ये रहा आपके सामने पाकिस्तानी आर्मी का टैंक। ओए मुझे लग रहा है ना सनी देओल ने इसी में बम डाला होगा ऐसे, तभी तो। गाइस यहाँ पर आप देखो भाई क्या हालत हो रखी है इस टैंक की, ये देख रहे हो आप, ये पूरा पूरा टैंक है जो कि भाई पूरा तहस नहस हो चुका है भाई। गाइस मैं पाकिस्तानियों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अभी भाई उनके पास में आटा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपका ये कबाड़ पड़ा हुआ है तो प्लीज़ इसको ले जाओ, इसको बेच देना, खाना वगैरह आ जाएगा दो तीन टाइम का, ठीक है। ये खोल के ले जाओ, ये क्या घेर है क्या, पता नहीं क्या ये क्या है, लेकिन देख लो भाई अमेजिंग है भाई। ओए मत छेड़ यार, बम चल जाए अभी नहीं तो। अबे बम नहीं है अब इसमें, एक आध डला हो क्या पता, कुछ नहीं है अब इसमें, ये खाली पड़ा हुआ है तब से। तो यहाँ पर आप देखो गाइस जो है ना ये टैंक वो आपको मैं एक बार दूर से बता देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा है। और ये इसकी नाली है, ये रही गाइस टैंक की नाली। अबे वो देख रहे हैं ना बंकर, बंकर तक। तो गाइस अब हम आपको बताएंगे बंकर, यहाँ पे आप देखो गाइस कितने सारे बंकर है और कितने सारे रास्ते है जो की सारे सारे कनेक्ट हो रखे है। अब आपको दिखाते हैं बंकर, फाइनली गाइस हम बंकर के पास में पहुंचने वाले हैं। तो ये रहा बंकर भाई, यहाँ पर आप देखो ये है रियल बंकर उसी टाइम का। तो भाई हमने आपको बाहर से तो बंकर अच्छे तरीके से बता दिया, तो चलो अब बताते हैं अंदर से। तो देखो भाई अंदर से ना बंकर कुछ ऐसा होता है भाई, काफी ज्यादा मजबूत है ये बंकर, ये देख रहे हो भाई दीवारें, ये दीवारें यार 2 फीट चौड़ी तो होगी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत दीवारें हैं। और ऊपर देखो भाई साहब ये ऊपर चद्दर लगा हुआ है, यहाँ पर ये लकड़ियाँ लगी हुई है,
और फ्रंट की तरफ है ये दो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, तो यहाँ से है ना जो अपने इंडियन सोल्जर वो दोस्तों नज़र रखते थे दुश्मनों के ऊपर, ठीक है। और जब हुआ था ना युद्ध तब दोस्तों यहाँ से चली होगी गोलियाँ भाई साहब, और वहाँ पर आप देखो फ्रंट में जो मैंने आपको दिखाया था ना टैंक, वो रहा भाई वो टैंक पूरा पूरा तबाह हो रखा है। तो भाई है ना हमने यहाँ के जो गांव वाले हैं ना उनसे हमने बात की थी, वो भाई बता रहे थे जो मूवी के अंदर सीन है ना वो सीन तो दोस्तों केवल एक आर्टिफिशियल सीन है, रियल लाइफ में भाई साहब जो धमाके थे, जो गोलियों की आवाज़ें थी, जो मतलब कि यहाँ पर युद्ध हुआ था ना वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर था भाई, मूवी से भी मतलब कि 10 गुना ज़्यादा भयंकर मान लो आप। गर्मी भाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तेज़ भाई अपनी है ना इंडियन आर्मी के लिए। तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है ना, और कमेंट में लिख देना लव यू इंडियन आर्मी, क्योंकि भाई देखो भाई इतनी बुरी कंडीशन के अंदर सरवाइव करते हैं वो अपने देश के लिए। तो भाई यहाँ पर आप देखो भाई एक और बंकर है, इस बंकर को भी आपको अच्छी तरीके से बता देता है। अबे ये देख ये हेलमेट है, बताना ये देख गाइस यहाँ पर आप देखो भाई इंडियन आर्मी का हेलमेट है, पहन ले। ये देखो भाई इंडियन आर्मी का हेलमेट है, उस टाइम का हेलमेट है भाई। तो भाई जो ये हेलमेट है ना ये दोस्तों बुलेट प्रूफ है, और यहाँ पर आप देखो भाई कितना ज्यादा मजबूत है, यहाँ पर रखा हुआ है ये देख सकते हो आप इंडियन आर्मी का हेलमेट। अबे यार गन और मिल जाए बस, हाँ फिर क्या करेगा, किसको उड़ाएगा तू? पाकिस्तानी होगा। अच्छा तुझे फिर आर्मी में जाना चाहिए था, आर्मी में जाना चाहिए था, पढ़ा लिखा तो है नहीं तू, आर्मी में चला जाता ना फिर पूरे पाकिस्तान में जाता, फिर देश ही खत्म हो जाता। अच्छा अच्छा बात तो सही बोल रहा है गाइस अनपढ़ गवार। ओए सुनो अब है ना हम जाएंगे वहां पर, कहां पे जो है ना क्या म्यूजियम उसमें, ठीक है ठीक है। तो गाइस अब हम आपको दिखाने वाले हैं म्यूजियम, तो चलो भाई अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर। तो भाई यहाँ पर आप देखो भाई इतनी बड़ी बड़ी बुलेट, ये देख लो बुलेट की साइज इतनी बड़ी बड़ी, और ये वापस एक दूरबीन है, ये वॉकी टोकी वगैरह है भाई, ये देखो जो बात वगैरह होती थी ना वो भाई सेल फोन से नहीं होती थी उस टाइम, उनसे होती थी। ये देखो इतने बड़े बड़े भाई वो रखे हुए हैं वॉकी टोकी, और यहाँ पर ये ड्रेस है भाई BSF की, और गाइस यहाँ पर ये है एंटी टैंक राउंड्स, यानी कि ना इनको भाई टैंक के सामने रख देते थे ना तो टैंक आगे नहीं बढ़ पाता था। और यहाँ पर भी बहुत सारी बुलेट वगैरह है, और ये तो जानते होंगे गाइस टैंक माइंस है, यानी कि टैंक के नीचे रख दो टैंक पूरा पूरा ब्लास्ट। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो भाई युद्ध है ना कैसे हुआ था उसका पूरा पूरा डायग्राम बना हुआ है, ये है ना 3D डायग्राम है, उस साइड में है पाकिस्तानी सोल्जर और इस साइड में है इंडियन सोल्जर। भाई उधर देखो उधर है ना टैंक है पाकिस्तानियों के पास में, फिर भी भाई है ना जो अपनी इंडियन आर्मी है वो जीत गई भाई। फाइनली दोस्तों ये वीडियो होती है यहाँ पर ही खत्म, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होती है क्या वीडियो आपको करना है लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर चैनल को सब्सक्राइब। बाकी आप देखो भाई ये लोकेशन कितनी ज़्यादा बड़ी है, इस साइड में आप देख रहे हो भाई यहाँ पर हुआ था युद्ध और उस साइड में बना हुआ है मेमोरियल और उस साइड के अंदर है म्यूजियम। तो यार आप है ना यहाँ पर एक बार जरूर विजिट कर सकते हो, सर्दियों में आना यार हम गर्मियों में आए, गर्मी है भयंकर वाली तभी तो। तो भाई साहब यहाँ पे गाइस जो आर्मी के लोग रहते होंगे ना उनकी क्या हालत होगी पता नहीं गाइस। यहाँ पे देखो भाई हमारी गाड़ी छाँव में खड़ी हुई है, मिलते हैं गाइस ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।